मुलाकात में तो अब बहुत शानदार तरीके से कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जैसे किसी फरीदाबाद के उम्मीदवार का होना चाहिए वैसा। आप मुझे एक बात बताइए, आपको वहाँ से यहाँ तक आने में कितने धक्के खाने पड़े? अगर जितने ज्यादा धक्के खाने पड़े होंगे उतना ही समझ लीजिए कितने लोग हैं और मेरा प्रतिद्वंदी कौन हो सकता है। जी अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, आप चिंता मत करिए, उसके लिए हम लोग तैयार हैं पूरे जोश और खरोश के साथ। आप ये अगर वो ये कह रहे हैं कि कहीं से भी उठा लिए हैं तो उनकी मानसिकता आप समझ सकते हो। फिरोजाबाद का प्रत्याशी है, फिरोजाबाद में पैदा हुआ, फिरोजाबाद में बड़ा हुआ, उसको अगर मौका उन्होंने चुनाव लड़ाने का दिया है तो कहीं से उठा के नहीं लाए हैं। उठा के तो वो लाए गए हो सकते हैं जो कहीं नोएडा से या सैफई से आए हों। मैं तो यहीं का प्रत्याशी हूँ, मैं तो यहाँ से ही खड़ा हुआ हूँ, जनता की मांग पर खड़ा हुआ हूँ। बोल भारत, चुनाव की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है और कार्यकर्ताओं ने पूरा जोश और उमंग और ऊर्जा है और क्षेत्र की जनता में भी ऊर्जा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो फिरोजाबाद से हैं ठाकुर विश्वदीप सिंह बड़ी मजबूती के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जनता भी उनको देख रही है और उनका पूरा जन समर्थन उनका सहयोग कर रही है और आने वाले दिनों में ये चुनाव एक ऐसी तस्वीर पेश करेगा। ये चुनाव राष्ट्रवाद का चुनाव है, क्षेत्र की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, ठाकुर विश्वदीप सिंह के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है और अन्य दलों को जो गठबंधन बना एनडीए के ईडी गठबंधन पीडी गठबंधन उनको टुल्लू दिखाने का काम करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह बड़ी मजबूती के साथ और बड़ी ऊर्जा के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं और जनता भी उनका भरपूर सहयोग और अपना जन समर्थन उनको दे रही है।